मैप दोस्तों कैसे यूज करते हैं दोस्तों, अगर किसी पैलेस पे जाना दोस्तों, किसी जगह जाना हो, आपको रूट नहीं मालूम गाइस, तो सिर्फ आपको एक सेकंड में गूगल लोकेशन खोलना है दोस्तों, और उसे में आप जहां भी जाना उसका स्थान का नाम डालना दोस्तों, और आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे। इसमें सारी कैटेगरी अवेलेबल है, जैसे रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, दोस्तों अगर कोई इंटरनेशनल जगह जाना हो, कहीं भी जाना हो, एयरपोर्ट खोजना हो दोस्तों, रेलवे स्टेशन खोजना हो दोस्तों, सारी फैसिलिटियाँ आपको गूगल मैप पे शो करेंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा गाइस कि गूगल मैप कैसे यूज करते हैं, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में गाइस बताऊंगा। सबसे पहले गूगल ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों। चलिए इस गूगल मैप को मैं ओपन करता हूँ। तो चलिए इस गूगल मैप को मैं ओपन कर दिया दोस्तों। दोस्तों आपको जो भी जगह जाना दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में सर्च हेयर है दोस्तों, इसमें एक माइक की भी ऑप्शन दी गई है, तो माइक से भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप लिखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जगह का नाम डाल दीजिए, जिस भी जगह आप जाना चाहते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर गाज़ियाबाद डाल देता हूँ गाइस, तो यहाँ से गाज़ियाबाद डालने के बाद दोस्तों यहाँ से अब आपको डायरेक्शन दिखेगा दोस्तों, तो आप डायरेक्शन पर जाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ से ये फाइंड बेस्ट रूट मुझे मेरा ढूंढ रहा था, ठीक है। ये गूगल ने अब हमें रास्ता बता दिया। यहाँ पे चार कैटेगरी दी गई, एक कार से जाएंगे तो आपको 59 मिनट होंगे, और अगर बाइक से जाएंगे 1 आवर लगेंगे, अगर ट्रेन से जाएंगे 1 आवर 51 मिनट, अगर पैदल जाएंगे तो 7 आवर, और उसके बाद बस से जाएंगे तो 59 मिनट। गाइस आपको क्या करना है, मैं बाइक से जाऊँगा दोस्तों, तो यहाँ से स्टार्ट कर देना हमें, ठीक है। अब हम जहाँ यहाँ Head west toward Mongol Bazaar Road, then turn right onto Mongol Bazaar Road. तो अब हमारा डायरेक्शन ये बता रहा है, जैसे जैसे हम राइट लेफ्ट होंगे दोस्तों, ये हमें डायरेक्शन देगा कि राइट लेफ्ट, और उसके बाद गलत रॉन्ग रास्ता जाएंगे तो ये हमें बताएगा भी गाइस। ये बिल्कुल आसान तरीका है गाइस, इस तरीके से आप लोकेशन ट्रैक करके कहीं भी जा सकते हैं गाइस। तो ये मैंने आपको डेमो के लिए दिखाया था दोस्तों। अगर आपको दोस्तों आसपास में नियर खोजना हो, नियर में ATM खोजना हो दोस्तों, कुछ भी खोजना हो दोस्तों, यहाँ पर सारी कैटेगरी आपको अवेलेबल है। जैसे कि मैं यहाँ इस पर टच करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको सारी कैटेगरी दी हुई है, ग्रोसरी, पेट्रोल, कॉफ़ी, जो भी खोजना दोस्तों यहाँ पे सारी अवेलेबल फैसिलिटी है दोस्तों। जैसे कि मैं नियर में ATM खोजूंगा दोस्तों, तो लिखेंगे क्या, ATM नियर, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ATM नियर, यहाँ से ATM नियर करेंगे तो ये हमारा लोकेशन पूरे को यहाँ पे आसपास के जितने भी ATM होंगे सारी यहाँ पे शो करने लगे, जो सबसे नियर में होगा गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन मोड में आपको दिखने लगे, जैसे कि ये पहली है जो 250 मीटर की दूरी पे, अगर मैं इसकी डायरेक्शन ढूंढूंगा तो डायरेक्शन पे टच करेंगे और ये हमें लोकेशन बता देगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से लोकेशन ऐसे जाएंगे, ये हमारा ICIC बैंक यहाँ से दिखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है गाइस। तो आसपास में जितने भी ATM होंगे ये यहाँ पे सारी शो करने लगेंगे गाइस। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दी हुई दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं होम, रेस्टोरेंट, उसके बाद गाइस बात करूँ तो यहाँ पे पेट्रोल, ग्रोसरीज, कॉफ़ी, हॉस्टल, टेकवे, यहाँ से सारी दी है। अगर मोर पे जाएंगे तो ये पे जितने भी रूट होंगे दोस्तों यहाँ से सारी चीज़ अवेलेबल है दोस्तों, जिस भी कैटेगरी का आपको जो भी ढूंढना हो दोस्तों यहाँ से सारी चीज़ ढूंढ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें गाइस तो यहाँ पे सैटेलाइट की भी इमेज आप देख सकते हैं गाइस, कि सैटेलाइट की यहाँ से जाएंगे तो इस पर सैटेलाइट की ये इमेज पूरी हो जाएगी दोस्तों, देख सकते हैं पूरी सैटेलाइट की इमेज है दोस्तों। हम जहाँ पे दोस्तों इसे जूम भी करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन ये बताएगी गाइस। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बताया कि गूगल लोकेशन कैसे चलाते हैं, गूगल मैप कैसे चलाते हैं दोस्तों, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताया हूँ। प्लीज़ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड में, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे नए चैनल पे तो रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन देता रहूँगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।